आदमी पार्टी ने स्टिंग करके तब भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर का एक स्टिंग देश के सामने रखा था कि वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश करे। तकरीबन 1.5 साल पहले 2022 में ऑपरेशन लोटस के माध्यम से दिल्ली के विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश की। दोनों बार ये ऑपरेशन लोटस फेल हुआ क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की धमकियों से नहीं डरते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लालच में नहीं आते, जिसमें उनका इरादा है कि अरविंद केजरीवाल जी को इस तथाकथित शराब घोटाले के झूठे आरोप में ईडी से गिरफ्तार कराएं। सत श्री अकाल D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मिंदर संधू स्वागत करदा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के उत्ते गंभीर इल्जाम लगाए ने। उन्होंने एक पोस्ट पाई है तो उस पोस्ट के विच उन्होंने कहा है कि BJP साढ़े विधायकों ऑफर दे रही है 25-25 करोड़ रुपया उन्होंने देने की ऑफर है कि तुसी साढ़े नाल आ जाओ, असी जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लवेंगे तो जिस तों बाद दे विच तुहानू होर सीट तो चोण लड़वा देंगे। तो उन्होंने मुताबक पोस्ट के मुताबक 21 विधायकों के नाल संपर्क किया जा रहा है तो 7 दे नाल संपर्क हो भी चुकया। तो इस मामले को लैके दिल्ली के मंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने भी भाजपा के उत्ते यही गंभीर इल्जाम लगाए ने। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं, उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही है। ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं बनती वो पैसे देकर, डराकर, धमकाकर, CBI और ED के केस करवाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी का यह ऑपरेशन लोटस कई राज्यों में चला है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराया है। और सिर्फ एक बार नहीं, कई राज्यों में तो कई कई बार विधायकों को खरीद कर, धमका कर चुनी हुई सरकारों को गिराया है। दिल्ली में भी 2 बार भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश कर चुकी है। 2013 में जब आम आदमी पार्टी के 28 विधायक चुन के आए थे तब भारतीय जनता पार्टी ने जी तोड़ कोशिश करी थी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की। आम आदमी पार्टी ने स्टिंग करके तब भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर का एक स्टिंग देश के सामने रखा था कि वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। फिर से तकरीबन 1.5 साल पहले 2022 में ऑपरेशन लोटस के माध्यम से दिल्ली के विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश की गई। दोनों बार ये ऑपरेशन लोटस फेल हुआ क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की धमकियों से नहीं डरते हैं,
भारतीय जनता पार्टी के लालच में नहीं आते हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 चालू किया है, जिसमें उनका इरादा है कि अरविंद केजरीवाल जी को इस तथाकथित शराब घोटाले के झूठे आरोप में ईडी से गिरफ्तार कराएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों को डरा के, धमका के, पैसे देके विधायकों को खरीद के दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। तो आज जो हम बार बार देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि केजरीवाल गिरफ्तार होने वाला है, केजरीवाल जेल जाने वाला है, केजरीवाल को ईडी अरेस्ट करेगी, केजरीवाल को सीबीआई अरेस्ट करेगी, और उसके बाद जो समन्स आते हैं उसका सिर्फ एक ही कारण है कि अरविंद केजरीवाल पर झूठे आरोप लगाकर दिल्ली की ये लोकप्रिय सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। दस दें कि इस पूरे मामले नूं लैके भाजपा आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपना प्रतिक्रम दिता है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्ते निशाना साध दिता है ते नाल ही एक पोस्ट भी पाई है जिदे विच उन्होंने लिखा है कि किसी समय कहिंदे बॉलीवुड दे विच स्क्रिप्ट राइटिंग दे लई एक जोड़ी बड़ी मशहूर हुंदी सी, ओह सीगी सलीम जावेद दी, ते कहिंदे इन्हां नूं ही हुण मुकाबला पूरी टक्कर देंदे हुए नज़र आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहिंदे मैनूं लगदा है भी ये स्क्रिप्ट पिछले 13 कु दिनां दे विच लिखी गई है जदों ओह ईडी दे डर तों घरों गायब हो गए सी, क्योंकि वह चंगी तरह जानते हैं कि शराब जिहड़ी नीति सीगी उस घोटाले मामले दे विच उन्हां दी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अगे उन्होंने एक तंज कसया है, कहिंदे घोटाला किया है, जेल तो जाना ही पड़ेगा केजरीवाल जी। सीधे तौर के उत्ते उन्होंने भी जवाब दे दिता, निशाना साध दिता। हुण देखना होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन्होंने मंत्रियों के इस दावे दे विच कितनी सच्चाई है कि सचमुच इन्हां विधायकों 25-25 करोड़ देने की ऑफर आई है जां फिर सिर्फ सियासी बयानबाजी है। जिवें ही कोई इहदी अपडेट आएगी लैके हाजिर होवांगे। आग्या दिओ, धन्नवाद। निडर हां, निरपक्ष हां, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहलां पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दस्सांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लैके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोग। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा, तुसी वेख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जिहड़ा लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।